यार सच में दिमाग खराब कर दिया ये टॉक टू समवन के पोस्ट्स और ट्वीट्स ने। जो एक बहुत ऑब्वियस बात है जो बहुत लोग बोल रहे हैं वो ये है कि जो डिप्रेस्ड होता है या जो तकलीफ़ में होता है या जो एक बहुत ही भयंकर कदम लेने के दो कदम पीछे होता है वो किसी को कॉल करने की हालत में नहीं होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये पिकअप द फ़ोन एंड टॉक टू समवन तो हम ऐसे बोल रहे हैं कि पंखे से लटकने से पहले इंसान कहेगा चलो किसी को फ़ोन कर लेता हूँ शायद वो मुझे रोक दे। सो एक तो ऐसे बेवकूफ़ों वाली बात मैंने नहीं सुनी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ यार खबर रख रहे हो लोगों का पता कर रहे हो जो अचानक गायब हो गया जो मैसेज करना बंद कर चुका है ट्वीट करना फेसबुक पे कुछ डालना इंस्टा पे कुछ डालना बंद कर चुका है उसकी खबर हमें लेनी चाहिए। अगर वो इतनी डिप्रेशन की गहराइयों में चला गया है कि वो कुछ बहुत भयंकर कदम लेने वाला है तो वो टॉक टू समवन नहीं करने वाला। अगर करना होता ना उसको तो वो बहुत पहले कर चुका होता। ये तो जाहिर सी बात है कि वी नीड टू डू द टॉकिंग वी नीड टू डू द रीचिंग आउट इफ़ वी आर मेंटली हेल्दी वी नीड टू कीप ट्रैक ऑफ द पीपल वी केयर अबाउट। केयरिंग इज नॉट अ कॉन्सेप्ट इन साइड आर हेड कि हाय तुम्हारे मेरे दिमाग में तुम बहुत छाए हुए हो दिल में बहुत प्यार है पर असल ज़िंदगी में मरे जा रहे हो या नहीं इसका मुझे कोई खबर नहीं। दैट प्यार इज़ यूजलेस। ये जो दिल में मन में प्यार होता है ना वो अटली यूजलेस होता है। सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। मोर इम्पॉर्टेंटली आई थिंक टॉक टू समवन इज़ वेरी इरेलीवेंट वेन अ पर्सन नीड्स टू टॉक टू समवन स्पेसिफिक। ये इंसानी दर्द और इनएनिमेट दर्द का सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि अगर आप रियाज रेट्रो सुनते हैं तो आपने वो मेरा एपिसोड भी सुना होगा हर्ट एंड हील। वेन वी आर हर्ट बाई एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट वी डोंट एक्सपेक्ट दैट सेम ऑब्जेक्ट टू हील अस। छुरी से उंगली कट गई हम ये नहीं सोचते कि छुरी आके पट्टी कर देगी या पैर पे पहिया चला गया तो पहिया आके दवाई करेगा ऐसा हम नहीं सोचते। बट व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन रिलेशनशिप्स हम ऐसा सोचते हैं कि जिसने तकलीफ पहुंचाई है वही मरहम करेगा। और ये एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है हमारी फितरत में और हमारी समझ में दैट द सोर्स ऑफ द हर्ट इज़ वेयर वी वॉन्ट द सोर्स ऑफ द हीलिंग टू बी। आपने मुझे नौकरी से निकाली थी क्या मेरा काम अच्छा नहीं था मैं 10 बार आपको पिंग कर रहा हूँ मुझे समझाइए आपने मुझे नौकरी से क्यों निकाली। आपने मुझे अप्रेजल में रेटिंग्स इतने कम दिए क्या आप मुझे इतने नालायक समझते हैं मैं 10 बार मैसेज करूँगा कि बॉस एटलीस्ट एक्सप्लेन माई रेटिंग टू मी डोंट जस्ट से बेल कर्व। You broke my heart, you had an intimate relationship with me and then one fine day you shut the door on my face. I will not feel good until I get my resolution from you. Ye talk to someone se nahi hoga, I need to talk to you. So I think what we need to remember is if people have unfinished conversations with us, hum kitne bhi झल्ला जाएं कि क्या है बार बार पिंग कर रहा है अब मुझे इसका सैलरी कट करना पड़ा क्योंकि मैं बॉस हूँ अब मैं क्या समझाऊँ कि क्यों कट किया या ठीक है यार हम थोड़े दिन दोस्त थे बट मैं इसके इतने सारे फॉरवर्ड्स नहीं पढ़ सकती तो मैंने इसको जवाब देना बंद कर दिया। इफ़ वी ब्लॉक आउट पीपल इफ़ वी थिंक देयर टेक्स्ट्स आर एंडलेस देयर वॉइस नोट्स आर टू लॉन्ग एंड रैम्बलिंग देयर कॉल्स आर टू फ्रीक्वेंट देयर मैसेजेस आर पेस्टरिंग अस देन वी आर डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू देयर सेंस ऑफ हर्ट lack of resolve and probably their growing mental desperation. I know कि खुद को इतना inconvenience कोई नहीं कर सकता कि कोई अगर बहुत जान जला रहा है या stalking कर रहा है तो हम उसकी सुनते रहें उसके calls उठाते रहें पर कहीं हम बहुत जल्दी तो नहीं avoid करने लग जाते लोगों को कि क्या यार पका रहा है यार दिमाग खा रहा है जाने दो मुझे नहीं उठानी इसके फ़ोन कॉल्स मुझे नहीं जवाब देने इसके मैसेजेस की क्या लंबे लंबे वॉइस नोट्स भेजता रहता है मुझे नहीं सुनना। आर वी नॉट गिल्टी ऑफ डूइंग दैट टू पीपल ऑल द टाइम एंड देन वी पोस्ट ऑन सोशल मीडिया टॉक टू समवन। कमाल है।